Hi everyone. So I'm back with simple DIY ideas. While we are in this lockdown period, let's create something and keep ourselves engaged. I'll be sharing 3 DIYs which you can make very easily using stuff in your home. So let's begin. So for the first DIY, I will be using this kind of a wooden photo frame which I had since a long time. Agar aapke paas is type ki photo frame nahi ho, to any cardboard will do. To sabse pehle hum ise white primer se cover kar lenge. Give good 2 coats of white primer and this is how it looks. Next, I'm going to use yellow color and I'm going to paint it. So I am going to use shade number 236, which is a lemon yellow shade. तो ये हमारे 2 कोट्स लग चुके हैं. अब हम बनाएंगे एक बो. तो बेसिकली बो बनाने के लिए मैंने एक बर्लैप क्लॉथ ले लिया है रेक्टेंगुलर शेप में काट के. इस तरह से हम एक बो बना लेंगे. बीच में बो शेप देने के लिए एक जूट रोप की हेल्प से हम उसे टाई कर लेंगे. तो देखिए ये टाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है. सो दिस बो इज रेडी. अब ग्लू की हेल्प से हम इसे फोटो फ्रेम में लगा लेंगे. इसका लुक और एनहांस करने के लिए हम जूट ट्रोप को भी साइड में भी टाई कर लेंगे कुछ इस तरह से. अब हम लेंगे एक वुडन क्लिप. ये इजीली अवेलेबल होती है कोई भी स्टोर्स में, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है. फेविकॉल की हेल्प से हम इसे इसमें अटैच कर देंगे. एंड द फोटो फ्रेम इज रेडी. मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है इसमें अटैच करने के लिए, हैंस आई एम जस्ट यू नो अटैचिंग अ स्टिकी टू शो यू हाउ रियली इट लुक्स. नेक्स्ट DIY के लिए हमें चाहिए इस टाइप का कोई भी एक क्लॉथ. मैंने क्लॉथ में से एक पीस कट आउट कर लिया है, इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर पीस. और बेसिकली हम बैनर बनाने वाले हैं, तो मैंने पेन से एक बैनर शेप इसमें ड्रॉ कर लिया है. हम शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे. तो देखिए ये इस टाइप के शेप में हमने इसे काट लिया है. अब हम लेंगे फैब्रिक ग्लू और इसके जो एंड्स है उसे हम फैब्रिक ग्लू से सिक्योर कर लेंगे ताकि एक अच्छी इवन फिनिश आ जाए. आप चाहे तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं. अब हम लेंगे एक बैम्बू स्टिक. तो बेसिकली इस बैनर को हमें इस बैम्बू स्टिक से अटैच करना है. अगर आपके पास बैम्बू स्टिक नहीं हो तो कोई भी एक वुडन स्टिक या लकड़ी कुछ भी चलेगा. यू कैन इवन यूज़ हैंगर. तो इसे भी मैंने फेविकॉल के हेल्प से लगा लिया है और ये हमारा बैनर है रेडी. अब चलिए इसे करते डेकोरेट. मैं लेने वाली हूँ इस टाइप के कुछ वुडन लेटर्स जो कि मैंने एक स्टेशनरी शॉप से लिए थे, और इन लेटर्स को मैं डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स में पेंट कर लूँगी.
पेंट होने के बाद इन सारे लेटर्स को मैं ग्लू की हेल्प से इस क्लॉथ में चिपका दूंगी। अगर आपके पास इस टाइप की वुडन लेटर्स फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्लॉथ में पहले ड्रॉ कर लीजिए या फिर क्लॉथ में लिख लीजिए जो भी कोट आपको लिखना हो, एंड देन यू कैन पेंट इट विद द हेल्प ऑफ एनी एक्रेलिक और फैब्रिक कलर। बैनर को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं दो लटकन हैंग करने वाली हूँ, बट बिकॉज दे आर पिंक इन कलर तो मैं इसे इसकी कलर चेंज कर लूँगी, येलो और ब्लू में मैं इसे पेंट कर लूँगी। अब पेंट होने के बाद इन्हें वाइट और येलो वुल की हेल्प से मैं इन्हें बैनर में अटैच कर दूँगी। बैनर को हैंग करने के लिए मैंने दोनों एंड्स में वुल येलो वुल अटैच कर दिया है तो उसका हैंगिंग बन गया है एंड दिस इज़ रेडी। इस DIY के लिए हमें चाहिए इस टाइप का एक प्लास्टिक कंटेनर विच इज़ नॉट टू थिक, क्योंकि इन्हें हमें सीजर से कट करना है। स्केच पेन की हेल्प से मैंने इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगा लिए। अब एक सीजर की हेल्प से हमें इसे एंड तक कट करना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है कट करने के बाद। मैंने इसमें टोटल 7 कट्स लगाए हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जो आप नंबर ऑफ कटआउट्स करते हो वो ऑड नंबर्स में हो, जैसे 5, 7, 9। अब इसे हमें बेसिकली वीव करना है तो उसके लिए हम ले लेंगे वुल। आप कोई भी अपने चॉइस के कलर का वुल ले लीजिए और सबसे पहले एक स्ट्रैंड में हम एक नॉट लगा देंगे और इसे नीचे की तरफ पुश कर देंगे। नॉट को अंदर की तरफ रखिए और देखिए ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है हम वहाँ से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। हम वापस इसे अंदर लेंगे फिर वापस बाहर की ओर निकालेंगे। सो बेसिकली इनसाइड आउट इज़ द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो टिल वी रीच द एंड। यहाँ मैं इसके लिए 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ करने वाली हूँ, तो जहाँ पे भी एक कलर ख़त्म होता है हम एक नॉट बना के दूसरा कलर स्टार्ट कर सकते हैं। सो हियर बेसिकली यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स। आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट कलर्स, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट यूज़ 1 सिंगल कलर। आप चाहे तो कलरफुल स्ट्रैंड्स, काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स बना सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं। जैसे हमने वाइट वुल को पहले अटैच किया था उसी तरह से हम येलो वुल को अटैच करेंगे एंड वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस टिल दी एंड। फाइनली व्हेन वी रीच द एंड, अंदर साइड में हम इसे एक नॉट बना के सिक्योर कर लेंगे। एंड सी हाउ प्रिटी इट लुक्स।
So I hope you all have enjoyed this video. If there are any questions or any comments, do leave it in the comment section below. Also, if you haven't subscribed, then do consider subscribing. Bye.